दोस्तों, अगर आप एक बेस्ट शेयर चुनना चाहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आरओई क्या होता है। ये रेशियो आपको एक बेस्ट शेयर चुनने में हेल्प करता है। स्मार्ट इन्वेस्टर इस रेशियो को बारीकी से एनालाइज करते हैं और पता लगाते हैं कि कंपनी का आरओई कितना है। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज हम जानने वाले हैं कि आरओई क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और साथ ही लाइव एक कंपनी का हम आरओई कैलकुलेट करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। ये रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है जो हमें बताता है कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसों यानी इक्विटी पर कितना प्रॉफिट कमा रही है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो प्रमोटर अपनी जेब से पैसा मिलाते हैं या किसी इन्वेस्टर से पैसे लेते हैं, तो यही अमाउंट इक्विटी कहलाता है। तो आरओई की मदद से हम जानते हैं कि इस टोटल अमाउंट पे कितना प्रॉफिट कंपनी कमा रही है। चलिए इसे एग्जांपल समझते हैं और चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों, आरओई का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें टोटल इक्विटी समझनी होगी जो बैलेंस शीट में मेंशन होती है। जो बिन में टोटल कैपिटल लगी होती है उसे हम लिखते हैं इक्विटी प्लस डेट, यानी बिजनेस में जो भी अमाउंट है या तो वो इक्विटी से लिया गया है या कहीं से लोन से उठाया गया है। तो हम टोटल कैपिटल को लिखते हैं इक्विटी प्लस डेट, और इक्विटी के अंदर तीन फेसेस होते हैं। पहला कॉमन शेयर, दूसरा सरप्लस एंड रिजर्व, और तीसरा प्रेफरेंस शेयर। अगर हम कॉमन शेयर की बात करें तो इसका लिंक डायरेक्ट बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस से होता है। जब कंपनी ग्रो करती है तभी इन लोगों को प्रॉफिट गेन होता है, और प्लस में वो अमाउंट आता है जब कंपनी अपने पूरे ईयर में जितना प्रॉफिट गेन करती है तो वो अपने कॉमन इक्विटी होल्डर्स को डिविडेंड ना देके वो पैसा अपने पास रिजर्व एंड सरप्लस में रख लेती है, ताकि वो पैसा अपने बिजनेस में रीइन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सके। और थर्ड हमारा आता है प्रीफरेंस शेयर। इनका लिंक शेयर प्राइस से नहीं होता, इन्हें तो सिर्फ अपने फिक्स डिविडेंड से मतलब होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक कंपनी की इनकम स्टेटमेंट ली है और इससे हम कैलकुलेट करेंगे इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल सेल जो है वो यहाँ पे 200 करोड़ है, और इसका COGS जिसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं वो यहाँ 80 करोड़ आ गया। इसमें से हम माइनस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, फिर मार्केटिंग एंड सेल्स के खर्चे हमने माइनस कर देंगे, और इसके बाद ऑफिस और एडमिन के खर्चे इसमें से माइनस करके हमारे पास इबिट आ जाएगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन माइनस करके हमारे पास इबिट आ जाता है, इसे ही हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। तो इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं, उसके बाद टैक्स माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल के आता है जो इस केस में 42 करोड़ रुपए निकल के आ रहा है। और नेट प्रॉफिट को हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कहते हैं, यानी वो अमाउंट जो हमें टैक्स भरने के बाद मिलता है। आरओई का फॉर्मूला जो आता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय हमें करना है टोटल इक्विटी। तो दोस्तों, यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे लेते हैं नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय जिसकी टोटल इक्विटी है। टोटल इक्विटी आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि टोटल इक्विटी हमारी कितनी आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉमन शेयर जो है 50 करोड़ है, और उसके बाद सरप्लस एंड रिजर्व में 30 करोड़ पड़े हुए, और प्रीफरेंस शेयर हमारे पास 20 करोड़ है। तो इन सबको हम टोटल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 करोड़। तो अब यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट लेंगे। नेट प्रॉफिट हमारा यहाँ से ये रहा नेट प्रॉफिट इस कंपनी का, उसे डिवाइडेड बाय कर देंगे इसकी टोटल इक्विटी से। 100 करोड़ हम ले लेते हैं डिवाइडेड बाय जो मैंने टोटल इक्विटी ली है, तो यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे इस कंपनी का जो आरओई निकल के आया है, मैं लिख देता हूँ आरओई, जो इस कंपनी का आरओई निकल के आया है रिटर्न ऑन इक्विटी, वो आ रहा है हमारा 42% निकल के आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो इस कंपनी में पैसा लगा हुआ है उस पैसे के ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है आफ्टर दी सारे पेमेंट्स करने के बाद, यानी गवर्नमेंट को टैक्स भरने के बाद। और इसी तरह से हम दो कंपनियों के आरओई को मेजर करके देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी अपने कैपिटल अमाउंट यानी अपनी इक्विटी पर ज्यादा पैसा कमा रही है। इसके लिए हमने दो कंपनियों को यहाँ पे लिया है, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड और दूसरी है एक्स वाई जेड लिमिटेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका इबिट है यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10,000 है यहाँ पे, और एक का है 12,000 रुपए। तो इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं तो एबीसी कंपनी का इंटरेस्ट है 2,000 रुपए और एक्स वाई जेड का है 1,000 रुपए। तो हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये वो अमाउंट है जिसमें से अभी हमको टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। एबीसी का आ जाता है 8,000 और एक्स वाई जेड का आ रहा है 11,000। तो इसमें से हम टैक्स देते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो एबीसी का आ रहा है 5600 आ रहा है और एक्स वाई जेड का आ रहा है 7700 यानी 7,700 रुपए आ रहा है। और यहाँ पे इसकी हम टोटल इक्विटी भी देख सकते हैं, जो शेयर होल्डर का कैपिटल है वो 12,000 है, जो रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है वो 5,000 है, और जो प्रीफरेंस शेयर है वो 3,000 है। तो इन तीनों को हम ऐड कर देते हैं तो टोटल इक्विटी हमारी 20,000 रुपए आती है एबीसी कंपनी की। और एक्स वाई जेड की भी हम इसी तरह देखते हैं, जो शेयर होल्डर का कैपिटल अमाउंट है वो 18,000 रुपए है, जो इसके पास रिजर्व में पड़ा हुआ 7,000 रुपए, और कंपनी के प्रीफरेंस शेयर नहीं है। तो एक्स वाई जेड की इक्विटी 25,000 है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देंगे, यानी जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसे डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी से कर देंगे। तो इन दोनों में आप देख सकते हैं कि जो एबीसी का आ रहा है वो 5600 आ रहा है, तो 5600 डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी नेटवर्थ यानी टोटल इक्विटी आ रही है 20,000, डिवाइडेड कर देंगे इनटू 100, तो एबीसी कंपनी का 28% रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है। और एक्स वाई जेड में हम देखते हैं सेम इसी तरह इसका जो पैट यानी नेट प्रॉफिट है
उसको डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी से कर देंगे तो 7,700 डिवाइडेड बाय 25,000 इंटू 100 तो यहाँ पे 30.8% उस पैसे पर कंपनी 30% प्रॉफिट कमा रही है। तो इस प्रकार आप दो कंपनियों को अच्छी तरह से मेजर कर सकते हैं उनके रिटर्न ऑन इक्विटी पे, कौन सी कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसों पे अच्छा पैसा कमा रही है। लेकिन दोस्तों आपको आरओई के साथ साथ कंपनी का डेट भी यानी उसका लोन भी देखना चाहिए, तो इस केस में आपको बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है, क्योंकि अगर किसी साल कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं चलता या कुछ पेंडेमिक प्रॉब्लम्स आ जाती जैसे कोरोना वायरस या अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रही थी तो सारी मार्केट एकदम से डाउन हो गई थी, तो आपको खास तौर पर कंपनी का डेट भी देखना चाहिए इक्विटी के साथ। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कहते हैं कि हाई आरओई और हाई डेट बैड इन्वेस्टमेंट कहलाती है, और वहीं हाई आरओई है और लो डेट है वो एक ग्रेट इन्वेस्टमेंट कहलाती है। ये एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की थिंकिंग है। तो आपको रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ साथ डेट भी जरूर देखना चाहिए उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। तो चलिए दोस्तों लाइव हम किसी एक कंपनी का आरओई कैलकुलेट करके देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने मनी कंट्रोल की वेबसाइट खोली है और यहाँ पे आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल रेशियो अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हैं, उसकी बैलेंस शीट को भी अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम एशियन पेंट की आरओई कैलकुलेट करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर ली है एशियन पेंट की और इसके हम फाइनेंशियल पे चलते हैं। तो दोस्तों हमने एशियन पेंट की फाइनेंशियल यहाँ पे खोल ली है, तो आप देख सकते हैं मार्च 2021 में इसका नेट प्रॉफिट है 3,178 करोड़। तो यहाँ से मैं इसका नेट प्रॉफिट कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं हमारे एक्सेल शीट पे, हम लिख देते हैं नेट प्रॉफिट जिसे हम पैट भी कहते हैं, इक्वल टू मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हम एशियन पेंट की टोटल इक्विटी देखेंगे, तो हमें टोटल इक्विटी के लिए इसकी बैलेंस शीट ओपन करनी पड़ेगी। तो मैं बैलेंस शीट पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे टोटल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एशियन पेंट का शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को हम लेके इसको टोटल, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एशियन पेंट का जो शेयर कैपिटल है और रिजर्व एंड सरप्लस है इन दोनों को हम टोटल कर देंगे तो हमारे पास टोटल इक्विटी आ जाएगी। तो हम सरप्लस यहाँ से लेते हैं और अपने एक्सेल शीट पे चलते हैं, तो यहाँ पे मैं सरप्लस पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद हम चलते हैं शेयर कैपिटल पे, तो मैं इसे यहाँ पे कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इन दोनों को हम जब ऐड कर देते हैं तो हमारे पास टोटल इक्विटी निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इक्विटी, टोटल इक्विटी, टोटल इक्विटी। तो दोस्तों एशियन पेंट का हमने यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी ले लिया और टोटल इक्विटी भी ले लिया, तो अब हम इसे अपने फॉर्मूले पे पुट कर देंगे। तो इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी, तो ये निकल के आ रहा है 24%, यानी जो एशियन पेंट इक्विटी जो निकल के आई है 24% निकल के आई है। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों जो हमने आरओई एशियन पेंट की कैलकुलेट की है एक्सेल शीट में और वही रेशियो सेम टू सेम मनी कंट्रोल भी मेंशन हो रहा है, यानी एशियन पेंट की जो आरओई इन्होंने मेंशन करके 24.51 और हमारी एक्सेल शीट में जो आया है वो भी देखिए 24.81 यानी सेम है, यानी 24%, यानी एशियन पेंट की जो रिटर्न ऑन इक्विटी निकल के आ रही है वो 24% ही है। दोस्तों स्टॉक चुनने से पहले उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी जरूर कैलकुलेट करें और देखें कि कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसे पे कितना पैसा कमा रही है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कहते हैं कि किसी भी कंपनी की आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 20-25% होनी ही चाहिए, अगर इससे कम है तो इससे अच्छा आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जहां आपको किसी भी कंपनी को अच्छी तरह से एनालाइज नहीं करना होगा, सिर्फ किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में डाल दें तो वहां ही आपको 16-17% आराम से रिटर्न मिल जाते हैं। आई होप दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें और शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो और चैनल से रिगार्डिंग कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए।